नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं कि आप ट्रेन टिकट में विंडो सीट कैसे बुक कर सकते हैं, लोअर सीट आपको लोअर बर्थ चाहिए आपको उसको कैसे बुक कर सकते हैं। आपको पूरा प्रोसेस वीडियो में जानेंगे और आपको लोअर बर्थ मिलने के चांसेस पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। इस वीडियो को देखते रहें। तो सिंपल गाइज, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने IRCTC एप्लीकेशन में ओपन कर लेते हैं, ठीक है। IRCTC एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद मैं लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। अपना लॉगिन डिटेल एंटर करने के बाद, तो जैसा कि गाइज मैंने लॉगिन डिटेल एंटर कर लिया है, लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट कर लेते हैं एंड लॉगिन कर देगा मुझे। तो जैसा कि गाइज मैं अपने IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन में लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ पे सिंपल से आपको प्लान माई जर्नी पे क्लिक करना है। प्लान माई जर्नी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको स्टेशन सेलेक्ट कर लेना है, आपको कहाँ से कहाँ जाना है। मुझे न्यू दिल्ली से जाना है, ठीक है। मैं न्यू दिल्ली से मुझे पटना जंक्शन का मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ, पटना जंक्शन, ठीक है। हमने सर्च कर लिया। यहाँ पे कोटा आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कोटा सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन से कोटा में आप बुक करना चाहते हैं, ठीक है। इस तरीके से कोटा सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं जनरल ही रहने देता हूँ एंड यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। डेट मुझे चाहिए 15 फरवरी को मैं बुक कर रहा हूँ। आप कभी का भी बुक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड यहाँ पे सर्च ट्रेन पे क्लिक करते हैं। सर्च ट्रेन पे क्लिक करने के बाद मेरे पास सारी ट्रेनें आ जाएंगी, जितनी भी ट्रेनें न्यू दिल्ली से पटना जंक्शन जाती होंगी, ठीक है। तो मैं वेट कर लेता हूँ। तो जैसे कि गाइज मेरे सामने सारी ट्रेनें आ चुकी हैं एंड मुझे बुक करना है, नीचे चला जाता हूँ मैं थोड़ा, संपूर्ण सरमजीवी एक्सप्रेस, एक सेकेंड गाइज। हाँ गाइज, तो मुझे मिल चुका है सरमजीवी एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर है 12392। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखता हूँ उस पर सीट अवेलेबल है। हाँ जी, सॉरी 16 फरवरी का है तो मैं 16 फरवरी का बुक कर लेता हूँ। तो मैं 16 फरवरी का ट्राई करता हूँ। स्लीपर में मुझे लोअर बर्थ चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 16 फरवरी पर क्लिक करता हूँ एंड 16 फरवरी पर क्लिक करने के बाद पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करते हैं। पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करने के बाद आई अग्री, अग्री पे क्लिक करने के बाद आप थोड़ा वेट कर लेते हैं, ओके ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ना पैसेंजर डिटेल एंटर। अगर आप एक सीट बुक कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आप एक सीट बुक कर रहे हैं तब तो आपको यहाँ वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है। सॉरी, ये वाला ऑप्शन इनमें से। अगर आप दो सीट, आपको दो लोअर बर्थ चाहिए, ठीक है, दो लोअर बर्थ चाहिए तो आपको ये वाला ऑप्शन रिजर्वेशन चॉइस पे आना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आपको सबसे नीचे दिख रहा होगा बुक ओनली इफ टू लोअर बर्थ अलोकेटेड, ठीक है। अगर आपको दो लोअर बर्थ चाहिए, अगर आपके साथ दो बंदे जा रहे हैं जिनको लोअर बर्थ ही चाहिए, तब आप इस वाले ऑप्शन पर टिक करें। अगर आप एक सीट बुक कर रहे हैं, सिंगल सीट लोअर के लिए, एक विंडो सीट चाहिए आपको लोअर, तो आप क्या करेंगे कि आप यहां से ऑप्शन अपना नाम भर के, मैं यहां पे फटाफट से अपना नाम टाइप कर लेता हूं, ठीक है। नाम एंड अपना एज हम 20 टाइप कर लेते हैं, मेल, एंड यहां पे हम लोअर बर्थ को टाइप कर देते हैं, ठीक है। लोअर बर्थ को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यहां पे पॉसिबिलिटी 90% हो जाती है, 90-95% हो जाती है कि आपको विंडो सीट ही मिलेगी, ठीक है। कहीं भी मिल सकता है, सिंगल सीट पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर आप दो चार आपको लोअर बर्थ ही चाहिए तो वहाँ नहीं, लेकिन दो मिल सकते हैं, लेकिन एक आपको मिल ही जाएगा अगर ट्रेन सीट में अवेलेबल है तो, ठीक है। तो हम ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर देंगे। ऐड पैसेंजर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस वगैरह फिल कर देना है। मैं फटाफट सारी डिटेल फिल कर लेता हूँ। तो जैसा कि गाइज मैंने सेलेक्ट कर लिया है एंड यहाँ पे मैंने सारी डिटेल फिलअप कर दिया है, एड्रेस वगैरह सब कुछ मैंने फिल कर दिया है। लोअर बर्थ मैं बुक कर रहा हूँ एंड इस ट्रेन में बुक कर रहा हूँ, ट्रेन नंबर आ चुका है, सब कुछ आ चुका। मैं रिव्यू जर्नी डिटेल पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे थोड़ा लोडिंग लेगा। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि हमारी जो सारी डिटेल्स हैं वो ठीक है या नहीं, मेरा नाम ठीक है या नहीं, मेरी उम्र ठीक है या नहीं, ठीक है। मैं सारी चीज़ें देख लेता हूँ, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। सब कुछ ठीक है मेरे इसमें टिकट में, मैंने कुछ भी मिस्टेक नहीं किया है। मैं यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करके इसमें कैप्चा कोड एंटर कर लेते हैं। कैप्चा कोड है QUY5। तो ठीक है गाइज, मैंने एंटर कर लिया है QUY5। प्रोसीड टू पे पे क्लिक करते हैं, यस कर देते हैं। यस पे क्लिक करने के बाद पेमेंट कर देना है एंड पेमेंट करने के बाद आपका जो लोअर बर्थ है वो किसी भी ऑप्शन से आप पे कर सकते हैं। मैं भीम UPI के थ्रू करने वाला हूँ। काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, फलाना ढिलका, सब कुछ सारे मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके यहाँ से आप अपना UPI ID एंटर करके आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, बट मैं करूँगा नहीं क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप इस तरीके से लोअर बर्थ को बुक कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस है गाइज, लोअर बर्थ आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, अगर आपको विंडो सीट चाहिए। तो गाइज़ अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो नीचे कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। एंड गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।